मेरी फेवरेट किताब है ये, फीस्ट्स एंड फास्ट्स, और हिंदुस्तानी खाने की हिस्ट्री की किताब है। और फैक्ट यही है, फीस्ट यानी दावतें, फास्ट यानी व्रत, फीस्टिंग और फास्टिंग के बीच में कहीं हिंदुस्तान है। हाँ तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। और व्रत चाहे आपने रखा हो या ना रखा हो, व्रत में भी दावत कैसे करनी है वैसी सी एक डिश बना लेते हैं। कुछ पहले बनाई है एक डिश, आज बना लेते हैं। आज बनाते हैं जी दही भल्ले व्रत वाले, लेकिन लगेगा नहीं आपको व्रत कर रहे हैं। फीस्टिंग एंड फास्टिंग। कॉलिंग एंड एक्शन। मुझे लगता है एट सम पॉइंट इन टाइम जिन्होंने व्रत रखा था उन्होंने कहा कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि सिर्फ तुम ही चटकारे ले सकते हो, हमारा व्रत है तो कि हम चटकारे नहीं ले सकते। और एट दैट पॉइंट इन टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला आज से हम व्रत में दावत करेंगे। और तब से ये जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें व्रत में बनती हैं ना, बननी शुरू हो गई। और अब तो मतलब ऐसा हो गया कि आप व्रत का खाना खाते हैं फिर नॉर्मल खाना खाते हैं आप, और फिर आप बोलते हैं यार व्रत वाला खाना जो है ना बड़ा अच्छा था। तो व्रत के दही भल्ले बनाने के लिए आपको चाहिए दही। ये है जी बार्नयार्ड मिलेट उर्फ झंगोरा उर्फ व्रत के चावल उर्फ समा के चावल उर्फ समाक, ठीक है। अब किसी भी उर्फ से इसको ले लीजिएगा, किसी भी नाम से आपको मिले ले लीजिएगा। दो किस्म का आता है, एक छिलके वाला एक बगैर छिलके वाला। ये बगैर छिलके वाला है, ये झटपट पकता है, यूँ समझ लीजिए कि रवा की तरह पक जाता है, सूजी की तरह पक जाता है। छिलके वाला जो है वो वक्त लेता है लेकिन टेस्टी बड़ा होता है। व्रत वाला नमक डाल के ये जाएगा जी पिसने के लिए, और साथ में डाली जाएगी थोड़ी शक्कर। और अगर आप क्या नींबू खाते हैं व्रत में, थोड़ा नींबू डालिए, नहीं तो दही से वैसे खटास का काम हो जाएगा। ये पीसना है, और पीसना ऐसे है कि समझ लीजिए कल जो है सुबह होगी नहीं, मतलब एकदम कचुम्बर निकाल दीजिए पीस पीस के। और अगर अगर आपको लगे कि पानी कम है तो चिल्ड वाटर डालिए थोड़ा सा, दही और मत डालिए बहुत खट्टा हो जाएगा। और भाई इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये प्रसंग जो है ये बहुत लंबा चलता है, इसलिए उस प्रसंग पे नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ व्रत पे अदरक हरी मिर्च और धनिया खाया जाता है, अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता, जो चीज़ नहीं खाई जाती वो इसमें मत डालिए, ठीक है। अगर खाई जाती है तो अदरक हरी मिर्च और धनिया कर लीजिए चॉप। नाइस, ये देखिए जी ये बैटर जो है इतना गाढ़ा होना चाहिए, ये देख रहे हैं आप, थिक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर है। मैंने देखा यार कि लोग व्रत में दही वड़े के नाम पर साबूदाना वड़ा को दही में डाल के खा रहे हैं, मैंने कहा ये तो गलत, ये नाइंसाफी, अगर उससे अच्छा वड़ा बन सकता है तो फिर तो बनाना चाहिए। तो इसलिए ये वड़ा बनाया जा रहा है, साबूदाना उसमें भी डालेंगे लेकिन ऐसे एकदम चिंटूस ये। उसके बाद किशमिश हरी मिर्च धनिया अदरक, और इसके बाद इसको चलाना है। अब इसमें भरनी है हवा, तो हवा भरने के लिए यहाँ तो हाथ से बीट कर लीजिए या विस्क से बीट कर लीजिए, मैं विस्क से बीट कर लेता हूँ। इससे क्या है ना, एक तो बैटर जो है वो होमोजेनाइज हो जाएगा, मतलब फ्लेवर्स इवन हो जाएंगे बैटर में, और दूसरा बैटर के अंदर थोड़ी सी हवा भर जाएगी, टेक्स्चर पे फर्क पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ सोडा अगर डाल देंगे इसके अंदर तो जो जाला है वो मोटा बनेगा, लेकिन अगर आप बीट करके सोडा डालेंगे तो जाला जो है वो बारीक बनेगा, टेक्स्चर जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए 5 मिनट मेहनत कर लीजिएगा। देखिए नमक के मामले में धोखा मत खाइएगा, मेरे को भी व्रत के नमक का हिसाब नहीं है इसलिए मैंने भी 3 बार डाला है, राइट। नमक एक ऐसी चीज़ है जो इरिवर्सिबल है, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब डिश खराब, राइट। तो इसलिए नमक के मामले में दुर्घटना से देर भली। अभी हम आते हैं जी फ्रूट सॉल्ट बेकिंग सोडा, जो आपके पास है आप वो ले लीजिए, उसके अंदर डालिए तेल और उसको कर दीजिए मिक्स। और मिक्स करने के बाद वक्त मत कीजिए बर्बाद, क्योंकि तेल और भल्ले किसी का इंतज़ार नहीं करते। देखिए ये तो मतलब मजाक मजाक में हमने कह दिया कि व्रत में भी दावत करना हमारी आदत है, बट फीस्टिंग एंड फास्टिंग, और ख़ासतौर फास्टिंग सिर्फ हमारी फिलॉसफी नहीं है, राइट। फास्टिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और बहुत ही साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ है। तो फास्टिंग का एक
शारीरिक कनेक्शन, योगिक कनेक्शन, आयुर्वेदिक कनेक्शन, कल्चरल कनेक्शन क्या है, ये जानने के लिए एक क्विक और एक स्पेशल मुलाकात करते हैं। चले। Fasting has deep meaning and science behind it. It is done primarily to detoxify your body and mind as we are entering a change in season. A change in season demands stronger and cleaner body. Hence, fasting during Navratri prepares your body for this seasonal change. This is the reason it is celebrated twice in a year. One in the beginning of summer and second in the beginning of winter. Fasting occasionally during festival is good for your digestive system and all other organs. The extra energy saved due to absence of digestive process during fasting is spent on healing and detoxification. Make sure you make your body used to the foods that you are going to consume during fasting from 2 days before fasting. Namaskar. देखिए, इसमें जो मेन चीज़ है वो साबूदाने का यूसेज है। अगर आप साबूदाना यूज़ करते हैं तो समझ लीजिए कि साबूदाना उसको वापस खींचेगा, इलास्टिक बनाएगा। हाँ, तो अगर आप ज़्यादा साबूदाना यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इलास्टिक बन जाएगी चीज़, मज़ा नहीं आएगा। साबूदाना जो आपने पहले ग्राइंड किया है सामा चावल के साथ, कम यूज़ करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द साबूदाना टू अ मिनिमम। साबूदाने का मकसद क्या है? बाहर की जो क्रस्ट है वो देना, अंदर का टेक्सचर जो है वो समा चावल का ही है, राइट? और दूसरा, वो जो हमने सोक किया हुआ साबूदाना बीच में डाला है, उसका मकसद है कि एक वो बबल वाली फील होती है ना, बस वो देना। टेक्सचरल इंटरप्ले है ये, टेक्सचर मतलब माउथ फील का इंटरप्ले है ये डिश, और कुछ नहीं है। क्या देखिए, टेक्सचर क्रिस्पी करारा, पानी, थोड़ा सा दही, नमक, शक्कर। अभी देखिए ये क्या है ना, मज़े का अगर चाहिए, एक्चुअल मज़े का चाहिए, तो एक रात पहले ऐसे दही वाले पानी में सोख करके रख लीजिए और अगले दिन फिर दही में डालिए। वो तो है एक्चुअल मज़े का। लेकिन अगर आपको हल्का सा करारा करारा टेक्सचर, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी टेक्सचर ऊपर अच्छा लगता है ना, तो फिर ऐसे बस 15 मिनट सोख कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसमें क्या, ऊपर से थोड़ा क्रिप्सी रहेगा लेकिन अच्छा लगेगा। सब बता दिया ना मैंने? हाँ, नहीं तो आपको अगर नरम दही भल्ले चाहिए होते और आप 10 मिनट पहले पानी में डालते और दही भल्ले नरम नहीं होते, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था अगर दही भल्ले नरम चाहिए तो ओवरनाइट सोखें, और दही भल्लों में क्रिप्सीनेस चाहिए तो वही 15-20 मिनट की सोखें। देखिए कैसे एकदम जो है अपने बड़े फूल गए ना, और अंदर का टेक्सचर भी आपको दिखाऊंगा, देखिए क्या कमाल का है। तो ये वो बड़े हैं जो मैंने आधे घंटे सोख किए हैं। हाँ, तो मतलब वो 15 मिनट वाला फॉर्मूला गलत था। अगर आपको क्रिप्सी चाहिए तो 5 मिनट सोख करिए, बस सीख रहा हूँ मैं अपनी गलतियों से, देखिए। और अगर आपको ऐसे एकदम बढ़िया फूले हुए चाहिए तो ओवरनाइट सोख करिए, लेकिन जब सोख करेंगे तो ऐसे दबा के सोख मत करिएगा। अगर आप ओवरनाइट सोख करेंगे तो सुबह तक जो है प्रेशर से हलवा बन जाएगा। एक फैला के एक चौड़ा बोल ले लीजिए, उसके अंदर सोख करिए ताकि जब आप निकालें तो आराम से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए टूटने के चांसेस बन रहे हैं, प्रेशर बन रहा है ना। ये देखिए, अगर आपको अंदर का टेक्सचर दिखाऊं, ये देखिए क्या कमाल टेक्सचर है, देखिए। ओह, मतलब मेल्ट इन द माउथ, ये देखिए ना, इतना सा रह गया बस पानी। फीस्टिंग एंड फास्टिंग, मौजें चालू हैं अपनी व्रत में। तो अभी एक चटनी बनाएंगे जी व्रत की, मिर्च, धनिया, पुदीना, थोड़ा सा काजू, व्रत का नमक और थोड़ा सा दही, और इसको करके लाते हैं पेस्ट और करते हैं अपने दही भल्ले की तैयारी। हो गया, बस दही को सीजन करना है, तड़का लगाना है, हो गया। अभी क्या है, छौंक बनाना है, उससे पहले दही सेट कर लेते हैं। दही के अंदर सिर्फ सॉल्ट और शुगर, ब्यूटीफुल। चटनी आपने देख ली ना, पिस गई, ये देखिए ना, ये फसला था ना कलर,
मजे का कलर आया ना, थोड़ा सा दही डालने से फायदा होता है। क्या लग रहे हैं, एकदम फास्टिंग वाले लग रहे हैं कि फीस्टिंग वाले लग रहे हैं? सच्ची बताओ, है ना फास्टिंग, सॉरी फीस्टिंग। अब देखिए, अगर आपने दही बल्ले ऐसे सर्व कर दिए तो मजा आएगा 50%, बाकी 50% मजा जो है वो तड़के में रह जाएगा। तड़का लगाए बगैर दही बल्ले मत दीजिएगा व्रत वाले, खास तौर से बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। बताया था ना मैंने, तड़का वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोपोली जो है वो बस यही है जो इस पैन में हो रहा है, वही इस डिश की मोनोपोली है। काजू, किशमिश, मिर्च, मूंगफली। अब बताओ, फास्टिंग है कि फीस्टिंग, व्रत है कि दावत? देखो जी, ये हो गया अब मामला तैयार। ऐसे ही आप भल्ले और दही लेके चले जाते वापस, तड़के की जो मोनोपोली है वो मेरे पास रह जाती। ऐसा करता नहीं हूं मैं, लेकिन सारी बात बताता हूं प्रॉपर। देखो जी, व्रत के नियम, स्वाद की भरमार और दावत की दावत। वाह भाई रणवीर भाई, ये तो व्रत और नो व्रत आइटम बनाने वाला जी। ज़्यादा मत सोचिए, फीस्टिंग है कि फास्टिंग है, व्रत है कि दावत है। याद रखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा फ़र्ज़ है अच्छा खाना खाना, स्वाद के साथ, चटकारे के साथ।